हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम वात दोष देखने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो इससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष पढ़ा था। तो कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष का जो बेसिक्स था पूरा, वात पित्त कफ दोष का, इन तीनों दोषों का जो बेसिक्स था पूरा, वो हम पहले देख चुके थे। जो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है वो वाली वीडियोज़, वो वीडियोज़ पहले जाकर देखें क्रिया शरीर के प्लेलिस्ट से, उसके बाद में डिटेल में पढ़ें वात पित्त कफ दोष। तो आइए दोस्तों, वात दोष शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वात पित्त और कफ दोष, ये तीन दोष होते हैं हमारी बॉडी के, इन्हें हम शारीरिक दोष भी बोलते हैं। और ये जो दोष होते हैं वो शरीर के स्तंभ होते हैं, मींस पिलर होते हैं बॉडी के, वात पित्त कफ दोष। उसके बाद में बात आती है वात दोष की। अब वात दोष क्या होता है वो हमें डिटेल में देखना है। तो एन एलिमेंट इन द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज वात दोष। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो मूवमेंट्स करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वात दोष बोलते हैं, उसी एलिमेंट को। फिर वात हैज सम स्पेशल इंपॉर्टेंस अमोंग त्रिदोष। तो जो तीन दोष है हमारे, वात पित्त कफ, उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस वात दोष को दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है वो हम आगे देखते हैं। अब ये स्पेशल इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर एक श्लोक आया हुआ है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगो मल धातु। इसका मतलब क्या होता है, शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधियों मूवमेंट्स का जिम्मेदार वात दोष होता है। वात दोष हमारे शरीर में विशेष महत्व है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की मूवमेंट्स का जिम्मेदार कौन होता है, वात दोष होता है। उसके बाद में इन ह्यूमन बॉडी पित्त कफ टिश्यू एंड वेस्ट आर हैंडीकैप फॉर डूइंग देयर एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो पित्त दोष है, कफ दोष है, और जो धातुएं हैं और जो मल है, वो क्या होते हैं, हैंडीकैप होते हैं। मींस वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, वो हैंडीकैप होते हैं। उनकी जो एक्टिविटीज़ करवाने का काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, वो कौन करवाता है, वात दोष करवाता है। तो ये जो पित्त कफ और धातुएं हैं और जो मल हैं, वो क्या है, इंडिपेंडेंटली नहीं है। फिर शरीर में उपस्थित पित्त एवं कफ धातु एवं मल स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ है, मींस पंगु है। पंगु का मतलब ही होता है असमर्थ, हैंडीकैप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो पित्त कफ और धातु और मल है, ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है, वात दोष है। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट्स करवाने का काम पित्त दोष का, कफ दोष का, धातुओं का और मलों का, ये काम किसका है, वात दोष का है। वात दोष पंगु नहीं है, बाकी के ये सारे पंगु हैं, ये सारे हैंडीकैप हैं, असमर्थ हैं, खुद से कोई काम नहीं कर सकते। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे वो भी वात दोष लेकर जाएगा इनको। फिर उसके बाद में बात आती है, ईच एंड एवरी एक्शन नीड्स द स्टिमुलेशन ऑफ वात दोष। यहाँ पर यही कहा गया है, ईच एंड एवरी एक्शन नीड्स द स्टिम्युलेशन। स्टिम्युलेशन चाहिए किसका, वात दोष का। अब जो हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी एक्शन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, वात दोष की मदद से हो रहा है। वहाँ पर स्टिम्युलेशन वात दोष कर रहा है। फिर उसके बाद में हम एक एक करके देखते हैं वात शब्द की निरुक्ति। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है वात शब्द की निरुक्ति। फिर इसके लिए जो श्लोक आया हुआ है वो है, तत्र वा गति गंधन योषिते धातु। इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर वा धातु का मतलब क्या होता है, गति मींस हलचल या मूवमेंट। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, वात दोष की निरुक्ति में वा धातु का मतलब होता है गति करना, हलचल करना या मूवमेंट करना। ये फंक्शन किसके हैं, वात दोष के हैं। इस वजह से ये वात शब्द की निरुक्ति है। द मूवमेंट इज नीडेड फॉर यूनियन एंड सेपरेशन इज कैरी आउट बाई वात दोष। अब जो मूवमेंट होता है, किसी का संयोग करना है, विभाग करने का, ये भी कौन कैरी करता है, वात दोष करता है। उसके बाद में वात के पर्याय देखते हैं, मीन्स सिनोनिम्स ऑफ वात। अब जो वात दोष के जो सिनोनिम्स हैं वो है वायु, चल, अनिल, पवन, मारुत, ये सभी क्या है, वात के पर्याय हैं। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है पंचभौतिक कंपोजिशन, मीन्स जो पंचभौतिक कंपोजिशन है वात दोष का वो क्या है। तो जो पंचभौतिक कंपोजिशन है वो वात दोष का, वैसे तो पांचों महाभूत होते हैं वात दोष में, लेकिन जो प्रीडोमिनेंस रहता है वो रहता है आकाश और वायु का। आप ध्यान रखना, जो प्रीडोमिनेंस होता है वो किसका होता है, आकाश और वायु का, और ऐसे तो पांचों महाभूत प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ वात दोष। अब वात दोष का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है,
तो वात दोष इज इनविजिबल, तो वात दोष होता है वो इनविजिबल होता है, हमें दिखता नहीं है, बट कैन बी एक्सपीरियंस बाय इट्स फंक्शन, लेकिन वो एक्सपीरियंस किया जाता है, किया जा सकता है उसके फंक्शंस के द्वारा। अब फंक्शंस क्या होते हैं, उसके कार्य क्या हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। फिर वात के स्थान क्या होते हैं, कॉमन साइट्स ऑफ वात दोष इन अवर बॉडी। अब वात दोष के स्थान पैलेस या साइट्स क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए जो श्लोक आया हुआ है वो है, पक्वाशय कटि शक्ति स्त्रोत स्त्रोतस्थि स्पर्शने इंद्रिय स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेषण। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि वात दोष का जो विशेष स्थान है वो कहाँ पर होता है, पक्वाशय में होता है। सबसे मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि वात दोष का जो विशेष स्थान होता है, जो मेन साइट होती है वात दोष की, वो होती है पक्वाशय। पक्वाशय मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में जो बाकी के स्थान है वात दोष के, वो कौन कौन से हैं वो हम अब देख लेते हैं। तो बाकी के जो स्थान है वो हैं कटी, कटी मीन्स पेल्विक रीजन, शक्ति मीन्स थाई या जंगा, स्त्रोत मीन्स ईयर, अस्थि मीन्स बोन्स, स्पर्श इंद्रिय मीन्स स्किन या सेंस ऑर्गन ऑफ टच मीन्स त्वचा। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ साइट्स ऑफ वात दोष की। तो पक्वाशय कटी शक्ति स्त्रोत अस्थि स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्श इंद्रियों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर त्वचा की बात की जा रही है। तो ये जो छह स्थान है ये किसके स्थान है, वात दोष के स्थान है। फिर उसके बाद में बात आती है वात दोष के गुण की, मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ वात दोष। अब वात दोष के गुण क्या होते हैं वो अब हमें देखने हैं। तो उसके लिए जो श्लोक आया हुआ है वो है, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। अनिल जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था वात दोष का पर्याय क्या है, अनिल है। तो यहाँ पर अनिल से रिप्रेजेंट किया गया है वात दोष को, मीन्स वायु को। तो यहाँ पर तत्र रुक्षो, रुक्षो मतलब क्या होता है, ड्राई या ड्राइनेस, ये क्या है, वात दोष का एक गुण है। अब हमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं वात दोष के गुण क्या होते हैं। तो रुक्ष मतलब तो क्या होता है, ड्राइनेस मीन्स रूखापन। लघु मतलब क्या होता है, लाइट मीन्स हल्का। शीत मतलब क्या होता है, कोल्ड मीन्स ठंडा। खर मतलब क्या होता है, रफ। उसके बाद में सूक्ष्म मतलब क्या होता है, सबस्ट्यूल माइन्यूट। उसके बाद में चल मतलब क्या होता है, मोबाइल या सदा गतिशील। और ये सारे गुण किसके हैं, अनिल के हैं। अनिल मीन्स वात दोष या वायु। तो एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ श्लोक, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। तो रुक्ष मतलब रूखापन, लघु मतलब हल्का, शीत मतलब ठंडा, खर मतलब रफ, सूक्ष्म मतलब सबस्ट्यूल, और चल मतलब मोबाइल, मीन्स सदा गतिशील रहेगा वात दोष। उसके बाद में एक बार हम वापस से देख लेते हैं जो वात दोष के गुण हैं वो। रुक्ष मतलब तो क्या बताया मैंने आपको ऊपर, ड्राइनेस बताया। लघु मीन्स क्या है, लाइटनेस। तब वात दोष का एग्रीवेशन हो जाता है, तब वात दोष बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तब क्या होता है, टिश्यू का लॉस होने लग जाता है, और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में लाइटनेस आ जाती है, मीन्स हमारी बॉडी का जो भार होता है, जो वेट होता है, वो कम होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लॉस हो रहा है बॉडी टिश्यू का। और लॉस क्यों हो रहा है बॉडी टिश्यू का, क्योंकि वात दोष का एग्रीवेशन हो चुका है। फिर उसके बाद में शीत, एक और गुण जो मैंने आपको बताया, शीत मतलब होता है कोल्ड, खर मतलब होता है रफ, सूक्ष्म मतलब होता है सबस्ट्यूल। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटी सी चीज़। फिर उसके बाद में चल मतलब क्या होता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब सदा गतिशील। ये जो है वो मेन फंक्शन है, मेन क्वालिटी है, मेन गुण है वात दोष का, कौन, चल। उसके बाद में मैंने नोट के अंदर दो पॉइंट लिखे हुए हैं, वात में आकाश एवं वायु, स्पर्श एवं शब्द होते हैं, तथा रजोगुण प्रधान होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया हुआ है मैंने कि वात दोष के अंदर कौन कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, आकाश और वायु की, और उनके गुण कौन कौन से हैं, शब्द और स्पर्श। और जो मानसिक गुण हैं उनमें कौन सा गुण प्रधान होता है, रजोगुण प्रधान होता है। फिर जो सेकेंड पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि वात के गुण वाले आहार से वात की शरीर में वृद्धि होती है, तथा विपरीत गुणों के आहार विहार के सेवन से वात दोष का शांत होता है, मीन्स वात दोष का क्षय होता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये बताया हुआ है कि वात दोष वाले गुण, अगर आप शीत, जो ये मैंने गुण बताए थे, शीर शीत गुण, जैसे कि ठंडा खाना खाओगे, रुक्ष खाना खाओगे, लघु खाना खाओगे, लाइट खाना खाओगे, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में वात दोष की वृद्धि होगी। और अगर इसके विपरीत खाना खाओगे, जैसे कि स्निग्ध भोजन करोगे, गर्म भोजन करोगे, तो वात दोष का क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर क्षय होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वात दोष के गुण वाले अगर आप आहार विहार का सेवन करोगे तो उससे क्या होगा, वात दोष की वृद्धि होगी आपकी बॉडी के अंदर, और उसके विपरीत गुणों का
आहार विहार का सेवन करोगे तो उससे क्या होगा, वात दोष का शांत होगा, मीन्स वात दोष का क्षय होगा, मीन्स डिक्रीजमेंट होगा वात दोष का। उसके बाद में बात आती है वात दोष के कर्म, मीन्स फंक्शन ऑफ वात दोष। अब वात दोष के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, वो अब हमें देखने हैं। तो जो सबसे पहला कर्म है वात दोष का, वो है चल। चल मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ ब्लड वेसल, फूड इन ओसोफेगस, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो कौन करवाता है, वात दोष की वजह से होते हैं, वात दोष करवाता है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स। फिर जो सेकंड कर्म है, जो सेकंड फंक्शन है वात दोष का, वो है उत्साह। किसी भी काम को करने की उत्साह या उसको उमंग, किसी भी काम को करने की जो उमंग रहती है हमारे अंदर, मतलब जो रुचि रहती है हमारे अंदर, वो किसकी वजह से रहती है, वात दोष की वजह से रहती है। उसके बाद में रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी वात दोष का फंक्शन है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जैसा कि आपको पता है, उच्छ्वास मतलब होता है एक्सपिरेशन, निश्वास मतलब होता है इंस्पिरेशन। उच्छ्वास का मतलब होता है सांस छोड़ना और निश्वास मतलब होता है सांस का लेना। तो जो श्वसन प्रक्रिया है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये भी फंक्शन है वात दोष का। सांस लेना, सांस छोड़ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये दोनों फंक्शन है वात दोष के। फिर उसके बाद में जो फोर्थ फंक्शन है वात दोष का, वो है चेष्टा। चेष्टा मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज़ करना, जैसे कि चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सारी एक्टिविटीज़ है, ये भी वात दोष के अंडर में आती है। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट है, वो है यूरिनेशन, वॉमिटिंग, ये वेग वात दोष ही कंट्रोल करता है। जो यूरिनेशन है, यूरिनेशन मीन्स टॉयलेट करना, और जो वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना, ये जो वेग होते हैं, ये वेग कौन कंट्रोल करता है, वात दोष कंट्रोल करता है। फिर धातुओं की नॉर्मल एक्टिविटी, मींस जो नॉर्मल एक्टिविटी रहती है धातुओं की, वो भी कौन कंट्रोल करता है, वात दोष करता है। फिर उसके बाद में इंद्रियां, मींस सेंस ऑर्गन्स के जो फंक्शन होते हैं, वो भी कौन कंट्रोल करता है, वात दोष कंट्रोल करता है। फिर विषय ग्रहण करने की कुशलता, जो चीज़ों को कैचअप करने की, मतलब कैचअप करने की चीज़ों को, विषयों को ग्रहण करने की जो कुशलता रहती है, वो भी किसके कारण होती है, वात दोष के कारण होती है। मींस जो कैचिंग पावर रहती है हमारी माइंड की, वो भी वात दोष के कारण रहती है। उसके बाद में वाच, वाच मतलब क्या होता है, स्पीक। तो ये भी क्या है, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, वात दोष रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में जो वात दोष है, वो स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव फायर को। जो वात दोष होता है, वो जठर अग्नि को प्रेरित करता है। जब हम अग्नि पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे, वात दोष कैसे स्टिमुलेट कर रहा है डाइजेस्टिव फायर को। फिर उसके बाद में जो वात दोष का जो नेक्स्ट फंक्शन है, वो है रिमूव एक्सक्रेटरी मैटर फ्रॉम द बॉडी। वात दोष जो होता है, वो हमारे बॉडी में से जो मल होते हैं, जो एक्सक्रेटरी मैटर होता है, उसको रिमूव करता है। वात इज ए स्टिमुलेटर ऑफ माइंड एंड सेंसेस। जो वात दोष होता है, वो माइंड और सेंसेस का क्या करता है, स्टिमुलेटर होता है। अभी यहाँ पर आपने जब कर्म इंद्रियाँ पढ़ी थी, तो कर्म इंद्रियों में जब आपने सबसे पहली इंद्रिय पढ़ी थी, वो पढ़ी थी वाक। तो वाक मतलब क्या होता है, स्पीच, बोलना। तो जो वाक प्रवृत्ति होती है, वो भी किसके कारण होती है, वात दोष के कारण होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक देखेंगे, फिर वात दोष के प्रकार और वृद्धि क्षय के लक्षण, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।